आयोग पर तंज कसा है। देखिए बड़ी खबर आ रही है, बता रहे हैं आपको, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। कांग्रेस ने ये कहा है ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। बापू के तीन बंदरों की इमोजी भी लगाई है। तो ये तंज कांग्रेस की तरफ से कसा गया है चुनाव आयोग को लेकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांग्रेस ने, क्योंकि अब चुनाव आयोग पर ही तंज कसा। इससे पहले भी कोई पहली दफा नहीं। देखिए हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ से किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है, ये निष्पक्ष चुनाव कराता है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी ये है और ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। लेकिन कैसे, ये देखिए तीन बंदर जो है इमोजीज में आपने देखा होगा, मैं कुछ देख नहीं रहा, कुछ बुरा नहीं बोलना है, कुछ बुरा नहीं सुनना है, कुछ बुरा नहीं देखना है, ये इन बंदरों का मतलब है। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर तंज कसा है। श्वेता, तो ये ट्वीट जो कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जाहिर सी बात है ये बताया गया है कि देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग भी जो है वो सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया है। नहीं कुछ कहते हुए लेकिन बहुत कुछ कांग्रेस का ये ट्वीट कहता है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। ये लग रहा है कि जैसे कांग्रेस सवाल पूछ रही है प्रीति, क्योंकि ये तीन इमोजी जो है वो बहुत कुछ कहते हैं। और पिछली बार जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, बहुत सारे सवाल उठे थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, और पूछा गया था कि आखिरकार गुजरात चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया गया, जिसमें जवाब देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा था कि गुजरात की तारीखों का ऐलान चुनाव, क्योंकि वहां पर विधानसभा का कार्यकाल थोड़ा लंबा है, इसलिए हम बाद में वो ऐलान करने वाले हैं। और आज 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बताया जाएगा कि कितने फेज में जो है वो इलेक्शन कंडक्ट होंगे, कब जो है वो रिजल्ट आएगा। और इसी के साथ प्रीति चुनाव आचार संहिता जो है गुजरात में लागू हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता। और इसी के साथ देखिए जो राजनीतिक हलचल है वो भी काफी तेज हो चुकी है, हम देख रहे हैं। लेकिन इस बार गुजरात में क्या मोदी मैजिक एक बार फिर से बरकरार रहेगा? हालांकि इनकम्बेंसी भी वहां पर है, और ऐसे में ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी देखिए किस तरीके से बहुत पहले से ही एक्टिव है। हालांकि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, अगर जमीनी स्तर पर देखें तो क्या आम आदमी पार्टी मुश्किलें खड़ी कर पाएगी बीजेपी के लिए, या फिर जो गुजरात की जनता वो फिर से उन पर ही, यानी कि बीजेपी पर ही विश्वास करेगी? बहुत बड़े चेहरे आते हैं गुजरात से, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, उनका गृह राज्य गुजरात है। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनका गृह राज्य है, तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खास और चैलेंजिंग भी ये चुनाव हो जाता है।